दोस्तों 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा था और ये कहा था कि 1947 में अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को आजादी के बाद उचित सम्मान नहीं मिला, लेकिन इसे प्रयागराज के आनंद भवन में छड़ी के रूप में प्रदर्शित किया गया। सेंगोल एक स्वर्ण राजदंड है जिसके बारे में हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने दावा किया कि वह 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। कुछ दिन पहले ये कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद का ताजा मुद्दा बन गया था। इसके बाद 28 मई को लोकतंत्र के नए मंदिर यानी नए संसद भवन में विधि विधान के साथ सेंगोल को स्थापित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी को सेंगोल सौंपी गई, जिसे पीएम मोदी ने संसद की नई बिल्डिंग में स्थापित किया। इस दौरान उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। सेंगोल को लेकर पीएम लोकसभा में स्पीकर के आसन पर धीरे धीरे बढ़े, उनके पीछे ओम बिरला भी थे। फिर पीएम स्पीकर के आसन तक गए और वहां सेंगोल को स्थापित किया। दोस्तों, सेंगोल को भारत की आजादी का प्रतीक माना जाता है और इसका इतिहास भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है, साथ ही इसका इतिहास चोल साम्राज्य से भी जुड़ा है। सेंगोल जिस शासक को सौंपा जाता है उससे उम्मीद की जाती कि वह निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण शासन करेगा। सेंगोल का इतिहास आधुनिक तौर पर भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है, तो वहीं इसकी प्राचीनता की कड़ियां चोल राजवंश से भी जुड़ती हैं। इसे राजाओं के राजदंड के तौर पर भी जाना जाता है। जिस सेंगोल की स्थापना नई संसद में की गई उसका आधुनिक इतिहास भारत की आजादी से जुड़ा हुआ सामने आया है। जब तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल सौंपा गया, वहीं प्राचीन इतिहास पर नजर डालें तो सेंगोल के सूत्र चोल राजवंश से जुड़ते हैं, जहां सत्ता का उत्तराधिकार सौंपते हुए पूर्व राजा नए बने राजा को सेंगोल सौंपता है। ये सेंगोल राज्य का उत्तराधिकार सौंपे जाने का जीता जागता प्रमाण होता था और राज्य को न्यायोचित तरीके से चलाने का निर्देश भी। अभी के सेंगोल की बात करते हुए तथ्यों के तार चोल साम्राज्य के साथ फिर से जुड़ते नजर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंगोल की 1947 से जुड़ा जो विस्तृत इतिहास सामने आया है, इसके धागे तमिल संस्कृति की प्राचीनता से जुड़े हैं। अब यह सार्वजनिक कहानी हो चुकी है। जब सत्ता के हस्तांतरण का समय आया तब साल 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत को आजाद करने की घोषणा की गई, तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि भारत की बागडोर ब्रिटिश से लेकर भारत को सौंपी जाए तो कैसे सौंपी जाए, यानी क्या इस अवसर पर कोई समारोह किया जाए। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास माउंटबेटन के सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। फिर जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय में सी राजगोपालाचारी से बात की। सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु से थे और वे तमिलनाडु की परंपराओं से भली भांति परिचित थे। राजगोपालाचारी ने नेहरू जी को सेंगोल के विषय में बताया कि किस प्रकार तमिलनाडु में चोल वंश के समय सत्ता के हस्तांतरण पर सेंगोल को एक शासक से दूसरे शासक को दिया जाता था। जवाहरलाल नेहरू को यह विचार पसंद आया और उन्होंने इस पर विचार विमर्श करके सी राजगोपालाचारी को सेंगोल के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। सेंगोल का निर्माण वुमदी बंगारू परिवार को दी गई थी, जिसके निर्माण में लगभग एक महीने का समय लगा। राजा जी ने बिना समय गवाए समारोह के लिए प्रमुख धार्मिक मठ या आश्रम थिरुवावथुरई से संपर्क किया, जिसे 5 सदियों पहले स्थापित किया गया था और ये तब से चोल भूमि के केंद्र में स्थित है और आज तक कार्यरत है। अधिनम के नेता ने उनके कहने के बाद सेंगोल की तैयारी शुरू कर दी। तंजोर के इतिहास का तंजावुर है, जहां एक समय चोल राजवंश की महान राजधानी थी। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान थे, जो कि शक्ति, सत्य और न्याय के प्रतीक है। मद्रास के प्रसिद्ध स्वर्णकार श्री बुम्बड़ी एथिलाजुलु को सेंगोल बनाने का कार्य सौंपा गया। 96 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने इस समय को याद करते हुए बताया है कि किसी की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्माण का न्योता लेकर आए थे। उन्होंने हमें इसके चित्र दिखाए, जो कि एक गोल लंबकार वस्तु थी जिसे बिल्कुल वैसे ही बनाना था और ये एक महत्वपूर्ण स्थान पर जाना था, इसलिए उच्च गुणवत्ता आवश्यक थी। हमें इसके निर्माण का आदेश मिला था जो कि चांदी से बना था, जिस पर सोने की परत थी। अधिनम के सानिध्य में इस निर्माण से जुड़कर वे बहुत खुश हुए। स्वतंत्रता सबके लिए गौरवशाली क्षण था, पर अधिनम द्वारा उन्हें सेंगोल निर्माण का दायित्व सौंपने से उस क्षण का महत्व और बढ़ गया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 1947 में सेंगोल का निर्माण बुम्बड़ी एथिरा जालू और उनके भाई बुम्बड़ी सुधाकर दोनों ने मिलकर किया। नए संसद भवन के उद्घाटन में बुम्बड़ी परिवार को भी निमंत्रण दिया गया। एक मैगजीन में छपे एक लेख से उन्हें इस बात का पता चला
कि 2018 से पहले बुमड़ी परिवार को भी नहीं पता था कि उनके परिवार ने ही वह सेंगोल दिया था जिसे आजादी के समय पंडित नेहरू को दिया गया था। सेंगोल की लंबाई का भी खास महत्व है। ये 5 फीट और एक छड़ी नुमा संरचना है। इसे अगर हाथ में सीधा पकड़कर खड़ा किया जाए तो यह मनुष्य की औसत ऊंचाई के बराबर है। सेंगोल की लंबाई सम्यक दृष्टि का प्रतीक है जो दिखाता है कि सभी नागरिक एक समान है और इनमें जाति, वेश, भाषा, धर्म, पंथ के आधार पर कोई भेदभाव, कोई अंतर नहीं है। ये खास बात हमारे संविधान की प्रस्तावना का भी हिस्सा है। सेंगोल में गोल हिस्से के सामने वाली चौड़ी पट्टी पर देवी लक्ष्मी की आकृति नक्काशी के जरिए उकेरी गई है। हिंदू मिथकों में देवी लक्ष्मी धन की देवी है। ज्वेलर्स के सामने आने के बाद अधिनम महंतो की बात फिर से सामने आई है। हालांकि उनका जिक्र पहले से सेंगोल के साथ शामिल था। अधिनम शैव परंपरा के अनुयायी थे और 500 साल प्राचीन थे। चोल वंश में सत्ता के हस्तांतरण के वक्त सेंगोल को सौंपा जाता था। इससे पहले इसे धर्मगुरुओं द्वारा विशेष अनुष्ठान से पवित्र किया जाता था। आजादी के बाद राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु स्थित त्रिवाव दूथरई अधिनम के प्रमुख से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के लिए इसी अनुष्ठान को करने का अनुरोध किया था। अधिनम ने इस कार्य को संपन्न करने के लिए अगस्त 1947 में कुछ लोगों के एक विशिष्ट समूह को दिल्ली भेजा था। 14 अगस्त 1947 की रात को श्री कुमार स्वामी ने रीति रिवाज को लॉर्ड माउंट को सौंपा था और लॉर्ड माउंट बैटन ने उसे वापस स्वीकार किया और उसके बाद उस पर पवित्र जल छिड़का गया। शोभा यात्रा के रूप में इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ले गए। महंत ने नेहरू जी को पीताम्बर पहनाया और फिर उन्हें रीति अनुसार सेंगोल सौंपा गया। इस तरह 1000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के अनुसार दक्षिण और उत्तर के असाधारण एकीकरण द्वारा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हुए शासन का हस्तांतरण हुआ था। इसके बाद नेहरू जी ने श्री राजेंद्र प्रसाद सहित कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल को स्वीकार किया था। आगे चलकर श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। इस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख भारत के साथ साथ विदेशी मीडिया में भी किया गया था। 25 अगस्त 1947 की टाइम्स पत्रिका में भी इसे प्रकाशित किया गया। हस्तांतरण की प्रक्रिया के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अपने विश्वविख्यात भाषण राष्ट्र के नाम संबोधित किया। सेंगोल के इतिहास को लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। इसका जिक्र महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। पुराने समय में जब राजा का राज तिलक होता था तो राजमुकुट पहनाया जाता था। राज तिलक होने के बाद राजा को धातु की एक छड़ी भी थमाई जाती थी जिसको राजदंड कहा जाता था। 1947 में सेंगोल राजदंड प्राप्त करने के बाद नेहरू ने इसे दिल्ली में अपने आवास पर कुछ समय के लिए रखा। इसके बाद उन्होंने इसे इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, में अपने पैतृक घर आनंद भवन संग्रहालय को दान कर दिया। वहां सेंगोल 7 दशकों से अधिक समय तक रहा। जब 2021-22 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना चल रही थी तब सरकार ने इस ऐतिहासिक घटना को पुनर्जीवित करने और नए संसद भवन में सेंगोल राजदंड स्थापित करने का निर्णय लिया। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना एक सांकेतिक भाव और सार्थक संदेश देती है। 28 मई रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु में मदुरई अधिनम मठ के प्रधान पुजारी हरिहर देसिका स्वामिंगल सेंगोल से भेंट की और इस तरह आजादी के बाद गुमनामी में खो गए सेंगोल को अब उसका पूरा वैभव मिल रहा है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि हमारे प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने के लिए हमें हमारे पूर्वजों की धरोहर को संजोने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए? क्या आप भी मानते कि राजदंड को संसद भवन में होना चाहिए या फिर इसे किसी म्यूजियम का हिस्सा होना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।